अपने जीवन के 23 वर्ष शिक्षा विभाग को समर्पित करने के बाद सेवानिवृत्त एक शिक्षिका को पेंशन के नाम पर विभाग से फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। वहीं वे बे औलाद होने के चलते उन्हें बच्चों का सहारा भी अब नहीं मिल पा रहा है। यह कहानी है सेवानिवृत्त शिक्षिका गर्रा निवासी मीना चौबे की। पैरालिसिस की गंभीर बीमारी होने से वह चल फिर नहीं पा रही, वहीं उनकी मदद करने वाला भी अब कोई नजर नहीं आ रहा है। लैंडेझरी संकुल के प्राथमिक शाला गर्रा में पदस्थ रही मीना चौबे का जीवन कई मायनों में अहम रहा है। आज शिक्षक दिवस पर उन्होंने पद्मेश 24/7 से विशेष चर्चा में जानकारी साझा की, तो वहीं उनके पति ने उनकी दैनिक स्थिति का हवाला देते हुए पेंशन न मिलने के चलते उन्हें होने वाली आर्थिक व मानसिक परेशानियों से अवगत कराया। मीना चौबे के अनुसार उन्होंने एक सरकारी शिक्षक की भांति 23 वर्ष शिक्षा विभाग में 500 रुपये के मामूली मानदेय में सेवा की। 62 वर्ष की उम्र में उन्हें एक सरकारी कर्मचारी की तरह ही सेवानिवृत्त भी किया गया, लेकिन कर्मचारी की भांति सेवानिवृत्त पर मिलने वाले लाभ व राशि प्रदान नहीं की गई। अब मीना चौबे के समक्ष स्वयं और पति के पालन पोषण की व्यवस्था करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीना चौबे के अनुसार 23 वर्ष पूरी ईमानदारी से सेवा देने के बाद आज वे अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। स्कूल में शिक्षण कार्य के अलावा यदि वे कुछ और करती है तो उन्हें ऐसे दिन भी नहीं देखने पड़ते। मीना चौबे के पति राजेंद्र प्रसाद चौबे ने बताया कि मीना चौबे की प्रथम नियुक्ति 500 रुपये के अल्प मानदेय में शिक्षा गारंटी शाला गुरुजी के पद पर 27 जुलाई 1998 में हुई थी। स्वयं से बच्चों को एकत्रित कर EGS शाला गर्रा, जो कि अब प्राथमिक स्कूल गर्रा कर दिया गया है, कि नींव भी मीना चौबे ने रखी थी और स्कूल की शुरुआत की। गुरुजी के पद पर लगातार 18 वर्ष सेवा देने के बाद सरकारी तौर पर मीना ने कई आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण भी प्राप्त किए। इस दौरान 2015 में प्रदेश सरकार ने गुरुजी के वेतन में पदोन्नति करते हुए वेतन 5000 रुपये कर गुरुजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 कर दिया। वहीं हर 3 वर्ष में 15% की वृद्धि के नियम के तहत उनका वेतन 5700 रुपये हो गया। इसके बाद मीना चौबे के 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अप्रैल 2021 में उन्हें बिना किसी सूचना दिए ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। वर्तमान में उन्हें किसी तरह की भी पेंशन व आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। मीना ने यह भी बताया कि अल्प मानदेय में शिक्षिका का कार्य करने के बावजूद भी ना उसका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना और ना ही उन्होंने शासन की अन्य गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाया। सम्मान से जीवन व्यतीत करने के बाद जब उनके सामने आर्थिक परेशानियां आड़े आती है, मीना के अनुसार भले ही उन्हें पेंशन या आर्थिक मदद न मिले तो गम नहीं, लेकिन विशेष मौके पर मान सम्मान की आस उन्हें रहती है। मीना के अनुसार पैरालिसिस होने के बाद उन्हें नहीं पता है कि वे अब कितने दिन जी पाएंगी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जाए इससे वे खुश है। इन्होंने सन 1998 से शिक्षा विभाग में लगातार सेवाएं 2021 तक दी। कितनी क्या इनको वर्ष की इन्होंने सर्विस शिक्षा विभाग में की। शुरुआती में इनका पेमेंट कितना था और कहाँ तक बढ़ता गया? 1998 में इन्हें 500 रुपये से लगाया गया था शिक्षा गारंटी गुरु जी के नाम पे। उसके बाद इन्हें 2005 से 3500 रुपये दिया गया। उसके बाद 2010 के बाद इन्हें 5000 रुपये माफी दिया। उसके ऊपर तनख्वाह नहीं बढ़ी? उसके ऊपर कभी तनख्वाह नहीं बढ़ी। हाँ, 2017 में जब संविदा शाला शिक्षक वर्ग में इन्हें कन्वर्ट किया गया संविदा में वर्ग 3 में, उस समय इन्हें 15% बढ़ा के दिया। जैसे कि कल शिक्षक दिवस भी है, पूरी जिंदगी जो है बहुत कम तनख्वाह में समर्पित कर दी उन्होंने और आज इस कंडीशन पर है, उसके बावजूद शिक्षा विभाग की तरफ से ना कोई मिलने आया है ना कोई अभी सुविधा मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या मांग रखना चाहेंगे शिक्षक दिवस पर शिक्षक की ऐसी दुर्दशा के बाद भी जो है आज स्थिति में है? शिक्षक दिवस पर मैं जनता से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि महोदय जी, जिस प्रकार से ये शिक्षक ने 23 साल बच्चों के में को पढ़ाया और शिक्षा प्रदान की, मगर आज उनकी दुर्दशा ये है कि
कि आज उनके पास एक रुपए कमाई का कहीं का नहीं, ना शासन से कोई मदद है, ना प्रशासन से कोई मदद है। यहाँ तक कि वो 23 साल सेवा देने के रही सूक्ष्म पेमेंट में, इन्हें BPL और गरीबी रेखा में भी नहीं माना जाता, इन्हें वृद्धा पेंशन भी नहीं दी जाती। आज ये 65 साल की आयु है इनकी, और इनका खाना कमाना हमारा पति पत्नी के अलावा जीवन में कोई नहीं है। अंकल जी ये बताइए कि एक पेंशन मिलती है, तो क्या इनको पेंशन मिलती है या नहीं मिलती? जी नहीं, कोई पेंशन नहीं, ना वृद्धा पेंशन। आपके कमाने खाने वाले कोई बच्चे वगैरह? ये नहीं, हमारी कोई संतान नहीं है, हम पति पत्नी एक दूसरे पर डिपेंड। अच्छा।